हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि MGGS के लिए सभी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, ऐसे में अब आगे क्या प्रक्रिया इसकी होगी वो देखते हैं। दोस्तों, जुलाई का जो प्रथम सप्ताह है, इसमें संबंधित DO जिस जिले के लिए आपने आवेदन किया है, वह है संबंधित DO BC के माध्यम से जिस तरह हर बार होता आया है, तो आपका साक्षात्कार यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर यदि पोजिशन बनती है कि अभ्यर्थी अधिक हो जाते हैं, तो संबंधित DO आपका लिखित टेस्ट भी ले सकता है। यह निर्भर करेगा केवल संबंधित DO पे कि वो यह चाहता है या नहीं चाहता है। तीसरी बात आती है, साक्षात्कार बाद जिस पोस्ट पर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, इंटरव्यू दिया है, तो उसमें कितने पद रिक्त हैं। जितने पद रिक्त होंगे उतने अभ्यर्थियों को वहाँ पर लिया जाएगा, उनका चयन किया जाएगा और मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद अंतिम चरण की हम यह बात करें तो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, जिसमें मेरिट सूची अनुसार आपको ऑफलाइन स्कूल आवंटन होंगे। इसमें यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में अनुपस्थित रहता है, तो आपको जो आपका DO है संबंधित, वो स्कूल आवंटन आपको कर देगा और उसकी जो सूची है वो निदेशक महोदय के पास भिजवा दी जाएगी। एब्सेंट रहने के बावजूद भी यदि आपका चयन उस मेरिट सूची में यदि हो रहा है तो, और 20 जुलाई तक निदेशालय से कार्यमुक्त और कार्यग्रहण आदेश जारी कर दिए जाएंगे। और बात करते हैं अंतिम दिनांक तक, यदि सामान्य विद्यालय से आपको कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो फिर DO स्तर से MG के लिए आपको रिलीव कर दिया जाएगा। सबसे अंतिम बात आती है, जैसा कि आपने देखा अभी जून वाले महीने में, तो प्रत्येक वर्ष मई और जून में प्रतिवर्तन का विकल्प यहाँ पर मौजूद रहेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, और जिसमें यदि कोई शिक्षक साथी फिर से सामान्य स्कूल में जाना चाहता है, तो आपको उसी ज़िले में भेजा जाएगा जहाँ से आप आए थे, और उसी ज़िले के DO के लिए रिलीव किया जाएगा। वहाँ से जो DO हैं वो आपको उसी ब्लॉक में, जो पूर्व ब्लॉक आपका था, वहाँ संबंधित CBO के लिए रिलीव करेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक साल बाद यदि आप वापस जाना चाहते हैं, तो आप पुनः जहाँ से आए थे वहीं पर पहुँच जाएंगे प्रतिवर्तन के इस संदर्भ में। तो वैसे तो माना जा रहा है कि आप सभी का एक विकल्प खुल गया है, क्योंकि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र यहाँ पे नहीं हो पा रहे, तो एक माध्यम है कि अपने गृह जिले में पहुँच जाएं और वहाँ पे सेवा दें। तो MGGS के लिए कुछ ऐसी प्रोसेस यहाँ रहने वाली है। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे किया है, तो अपने इंटरव्यू के लिए अच्छी सी तैयारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल होते हैं आला दर्पण संबंधी पूछे जाते हैं, आपकी कुछ सब्जेक्ट संबंधी, इसके अलावा जो आपके नॉर्मल जो व्यवहारिकल जो बातें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें, तो आराम से आपका इंटरव्यू अच्छा होगा और आप क्वालिफाई भी कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।